उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने हुज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया कि हम कल इंशाल्लाह खैफ बनू कनाना में क़याम करेंगे, जहां एक ज़माने में कुफार मक्का ने कुफर ही पे कायम रहने की आपस में कस्में खाई थी। पहले नंबर पर मस्जिद अल हरम, दूसरे नंबर पर मस्जिद अल नुमरा और तीसरे नंबर पर मस्जिद अल खैफ बड़ी मस्जिद मानी जाती है। की मुलाकात हुई थी, इसी वजह से इसका नाम अराफात मतलब पड़ा था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं हूँ अब्दुल करीम और आज मैं मीना में आया हूँ मस्जिद अल खैफ के पास। इंशाल्लाह आप लोगों को अब यहाँ की ज़ियारत भी करवाऊँगा और इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा। और ये मेरा तीसरा पार्ट है, जैसे कि पहला पार्ट मैं बना चुका हूँ अराफात और मुज़दलिफा और ये मीना का मतलब जो हज का पूरा प्रोसेस था, तो यहाँ पे आके पूरा होता है। इंशाल्लाह आप लोगों को मैं यहाँ की ज़ियारतें भी करवाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके नमाज अदा की। और ये है मस्जिद अल खैफ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने हुज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया कि हम कल इंशाल्लाह खैफ बनू कनाना में क़याम करेंगे, जहां एक ज़माने में कुफार मक्का ने कुफर ही पे कायम रहने की आपस में कस्में खाई थी। आपकी मुराद वादी महसब से थी। ये सामने जमरात की जगह बनी हुई है, यहाँ पे शैतान अकबा है और शैतान बीच वाला और छोटा वाला शैतान जो भी है, तो यहाँ पे ये सामने ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, उस जगह पे यहाँ से नज़र नहीं आएगी। अभी मेरे ख्याल में रास्ते बंद कर दिए क्योंकि काम चल रहा है, वरना वहाँ जाके आप लोगों को ज़रूर दिखाता। सामने देखे बोर्ड लगा हुआ है जमरात का, ये भी मदखल रिजाली। माशाल्लाह तबारकल्ला, मस्जिद खैफ बहुत बड़ी मस्जिद है। मक्कत मुकर्रमा में पहले नंबर पे मस्जिद अल हरम, दूसरे नंबर पे मस्जिद अल निमरा और तीसरे नंबर पे मस्जिद अल खैफ बड़ी मस्जिद मानी जाती है। इस तरह हाजी 8 तारीख को मीना की तरफ रवाना होते हैं और जहर की नमाज से पहले मीना के अंदर पहुंच जाते हैं, और जहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की, इशा की, फिर फजर की नमाज पढ़ के 9 तारीख को अरफात की तरफ रवाना हो जाते हैं और वहाँ वकूफ़ अरफात करके फिर मुज़दलिफ़ा, फिर मुज़दलिफ़ा से फिर मीना की तरफ आ जाते हैं और जमरात रमी करके कुर्बानी करके कुर्बानी के बाद हलागा करते हैं मतलब अपने सर मुंडवाते हैं। सर मुंडवाने के बाद वो सही और तवाफ़ करने चले जाते हैं हरम, फिर उसके बाद वापस आते हैं। और ये 3 दिन तक मुसलसल चलता रहता है तरीका ये रमी जमरात का, और जब रमी जमरात पूरी हो जाती है 3 दिन के बाद, फिर हाजी उमरा और तवाफ़ करते हैं अलविदा, फिर निकल जाते हैं अपने मुल्क। ये दौरतुल मियां बना हुआ है सामने, वजू खाना जेंट्स और लेडीज़। और ये सामने आप लोगों को खेमे नज़र आ रहे होंगे, वो मीना के खेमे हैं सारे, हज्जाज उकराम यहीं पे आके रहते हैं। ये मदखल बने हुए हैं, मदखल रिजाली मतलब मर्दों को घुसने की जगह। मस्जिद अल खैफ वो जगह है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज के हज्जतुल वदा में आए थे तो इस जगह पे भी नमाज अदा की थी। पूरी मस्जिद खैफ है और ये खेमों की जगह, यहाँ काम भी चल रहा है। अभी हज्जाज हाजी जैसे करीब आएंगे तो उस हिसाब से भी काम भी चालू हो रहा है। और ये तलाजे बने हुए हैं लेकिन यहाँ नाले में पानी नहीं है, बंद है। और ये मीना में मस्जिद खैफ का नज़ारा है ऊपर से। और अराफात के हिसाब से जो बातें होती हैं कि भाई यहाँ पे दादा आदम और अम्मा हवा की मुलाकात हुई थी, इसी वजह से इसका नाम अराफात मतलब पड़ा था।
اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کافی لوگوں کا اختلاف ہے اس کے اوپر کافی اختلاف ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ دادا آدم اور اماں حوا کی ملاقات ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کا نام عرفات ہوا تھا عرفات پڑا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ حج والے دن جو یوم تسعہ ہوتا ہے 9 تاریخ کا دن تو اس دن جو لوگ کافی آتے ہیں یہاں اللہ کی مغفرت مانگتے ہیں اور لوگوں کی آپس میں ایک دوسرے سے پہچان ہو جاتی ہے اس لیے عرفات اس کا نام رکھا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی ابراہیم علیہ السلام کو حج کا طریقہ سکھا رہے تھے اور جب وہ سکھا رہے تھے اس کو حج کا طریقہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم سے بار بار یہی سوال کر رہا تھا کہ ہاں عرفت مطلب پہچان لیا کیسے کرنا ہے پہچان لیا مطلب بار بار یہی پوچھ رہے تھے اس سے عرفت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب میں بول رہے تھے عرفت اس حساب سے اس کا نام عرفات پڑ گیا تو مطلب اس کی کوئی دلیل یا کوئی پکی سند نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے بیٹھ کے کوئی باتیں کریں باقی اللہ جانتا ہے بہتر اور جتنی ہمیں اللہ کے رسول نے اور اللہ نے سکھایا اسی پہ ہم قائم رہیں وہی بہتر ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اپنے دین پہ مضبوط رکھے اور آپ سب بھائیوں کو مسلمانوں کو جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے انشاءاللہ سب کو یہاں کی زیارتیں اور حج نصیب فرمائے عمرہ ہم یہی دعا کریں گے سارے بھائیوں کے لیے اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں